वर्ष 1989 में रानीगंज के महावीर कोलियरी के खान दुर्घटना पर आधारित फिल्म मिशन रानीगंज हुई रिलीज। कैप्सूल मैन स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल की भूमिका में नजर आए अक्षय कुमार को दर्शकों ने खूब सराहा, लेकिन देश की सबसे बड़ी खान दुर्घटना पर आधारित फिल्म में कई सच्चे पहलुओं को अछूता रखा गया और कई बातों को बनाई गई पूरी तरह से फिल्मी। फिल्म में रानीगंज की असल तस्वीरें बहुत कम नजर आईं। वर्ष 1989 में रानीगंज महावीर कोलियरी खान दुर्घटना और देश की सबसे बड़ी माइंस रेस्क्यू की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म मिशन रानीगंज में अछूती रही कई महत्वपूर्ण बातें और माइंस रेस्क्यू की सच्ची घटना की कुछ दृश्यों को भी फिल्मी बना दिया गया जो हकीकत से बिल्कुल परे है। शुक्रवार को रानीगंज महावीर कोलियरी खान दुर्घटना पर आधारित मिशन रानीगंज फिल्म रिलीज हुई। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रयास से चैम्बर के सदस्यों एवं परिजनों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आनंद लिया और घटना से जुड़ी पुरानी यादें ताजा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, फॉसबेकी के अध्यक्ष आरपी खैतान समेत विशिष्ट लोगों ने रानीगंज के अंजना सिनेमा हॉल में इस फिल्म का आनंद उठाया। मानव इच्छा शक्ति, मानव सोच की विजय इस फिल्म की सबसे बड़ी बात थी और उस समय की जो स्थिति थी, उस समय एक आदमी के साहस, परिचय और सम्मिलित तौर पर सबने मिलकर जो काम किया उससे इतने माइनस की जान बची। हम लोगों के लिए तो ये आज की मूवी देखने के बाद गर्व होता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद इतने एक बड़े प्रयास से सबकी जान बचाई गई और परिस्थितियों पर मानव की विजय। रियलिटी तो हम लोग उस समय काफ़ी छोटे थे, एग्जैक्ट नहीं मालूम, हम लोग मान लेते हैं कि यही रियलिटी थी और इसी को रियलिटी मान के चलते हैं और इसी को आज के दिन एंजॉय कर रहे हैं और सब सम्मिलित तौर पर रानीगंज के लिए रानीगंज मूवी में बहुत रानीगंज की चर्चा की गई है। रानीगंज को एक विश्व स्तर पर इससे पहचान मिलेगी और हम लोग धन्यवाद देते हैं फिल्म मेकर्स का कि एक विषय को उन्होंने उठाया और सभी के सामने इस जो जो दुर्घटना हुई की घटना हुई थी उसकी सटीक जानकारी पेश की। लगभग दो घंटे से अधिक की फिल्म मिशन रानीगंज में कैप्सूल मैन स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल की भूमिका में नजर आए अभिनेता अक्षय कुमार की भूमिका बेहद आकर्षक रही, परंतु सच्ची घटना पर आधारित फिल्म मिशन रानीगंज के कुछ दृश्य सच्चाई बयां नहीं कर पाए। फिल्म मिशन रानीगंज में कैप्सूल मैन जसवंत सिंह गिल की भूमिका अदा कर रहे अक्षय कुमार को फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया गया, जबकि हकीकत में खान दुर्घटना में स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल की एंट्री काफी समय बाद हुई थी। फिल्म में दिखाया गया कि खान में फंसे 65 श्रमिकों से ईसीएल अधिकारियों का संपर्क शुरुआत में ही टूट गया था, परंतु ऐसा नहीं था। असल में ईसीएल अधिकारियों से श्रमिकों का संपर्क कुछ घंटे बाद टूटा था। फिल्म में कहीं भी इस बात को नहीं दर्शाया गया है कि खान दुर्घटना के बाद श्रमिक यूनियनों ने केंद्रीय कोयला मंत्री जाफर शरीफ को काले झंडे दिखाए थे या फिर रेस्क्यू स्थल पर पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु भी पहुंचे थे और घंटों मीटिंग की थी। कुल मिलाकर मिशन रानीगंज का पिक्चराइजेशन आकर्षक बनाया गया है क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस के श्रमिक और अधिकारियों को छोड़कर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंडरग्राउंड माइंस देखने का मौका मिलता है। इस फिल्म में अंडरग्राउंड माइंस के जो दृश्य दिखाए गए हैं वो बेहद आकर्षक है। फिल्म में रेस्क्यू को लेकर असफल करने की जो राजनीति दिखाई गई है उस बात से हकीकत का कोई संबंध नहीं है, फिर भी फिल्म तो फिल्म ही है जो सच्ची और काल्पनिक बातों के मिश्रण से बनती है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने इसे काफी सराहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस देश में बोरवेल से एक बच्चे को निकालने के लिए पूरे देशवासियों की दुआ और समूचे प्रशासन का प्रयास एक हो जाता है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में बोरवेल में फंसे बच्चे प्रिंस के रेस्क्यू मिशन की। तो फिर जसवंत सिंह गिल ने तो अपनी जान की परवाह किए बगैर खान में फंसे 65 श्रमिकों को निकालने के बाद स्वयं बाहर वापस आए थे। यहाँ आपको एक बार फिर बता दें कि कोल इंडिया की इकाई पश्चिम बंगाल के ईसीएल के कुनस्तोड़िया एरिया अंतर्गत रानीगंज महावीर कोलियरी के अंडरग्राउंड माइंस में वर्ष 1989 में खान दुर्घटना में 220 श्रमिक फंस गए थे, जिसमें से 149 श्रमिकों को खदान की डोली से बाहर निकाला गया था जबकि 65 श्रमिकों को युद्ध स्तर के प्रयास के बाद कैप्सूल के जरिए 3 दिन बाद बाहर निकाला गया था। देश की सबसे बड़ी इस खान रेस्क्यू में रानीगंज महावीर कोलियरी में 6 श्रमिकों को बचाया नहीं जा सका था। इस फिल्म की रेटिंग 4 आई है और दर्शकों ने तो अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड दिए जाने की मांग भी कर डाली है। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
स्वस्थ की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश आटा। जल देह सठिक पुष्टि एग्रो फ्रेश आटा रुटी, एग्रो फ्रेश, एग्रो फ्रेश।